नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। आपको पता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं डेली की डेली बहुत सारे नए नए फोन्स लॉन्च होते चले जा रहे हैं, जिससे कंज्यूमर को कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है कि हमें कौन सा फोन लेना चाहिए। तो आपको पता है कि शोमी के जो फोन आते हैं, बजट फोन आते हैं, फ्लेक्सिस फोन आते हैं, काफी कम प्राइस में आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उसको ज्यादा परचेज करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑनर भी इस रेस में लग गया है। मैं आपको यहाँ पे एक ऐसे फोन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ऑनर की तरफ से आया है, और ये कब आएगा इंडिया में, कब लॉन्च हो सकता है, और इसकी प्राइस क्या है और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑनर प्ले 8A के बारे में। ऑनर प्ले 8A के बारे में जो कि ऑनर की तरफ से आया है, और इसकी डिस्प्ले जो आपको दी गई है 6.09 इंच की आपको इसमें डिस्प्ले दी गई है। अगर हम यहाँ पे इसके प्रोसेसर की बात करते हैं, तो इसमें हीलियो का P35 प्रोसेसर जो दिया गया है AMD 6765 पर जो कि वर्क करता है। हालांकि प्रोसेसर ज्यादा अच्छा नहीं है, पर लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, आपका काम चल जाएगा। अगर हम इसके कैमरे की बात करते हैं, तो इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है जो कि 1.8 एपर्चर के साथ आता है। अगर हम यहाँ पे फ्रंट कैमरे की बात करें, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 2.0 एपर्चर के साथ आता है। अगर हम यहाँ पे इसकी रैम की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज दी गई है। आपको यहाँ पे दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 3 GB की रैम 32 GB की स्टोरेज के साथ, प्लस 3 GB की रैम 64 GB स्टोरेज के साथ, और दोनों में साथ में माइक्रो डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसमें बैक में आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, तो ये भी इस फोन को बहुत ही कूल बनाता है। अगर हम इस बात करें डिस्प्ले में, आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि सारे फोन में वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले आ रही है। अगर हम इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 3020 mAh की आपको पूरी बैटरी मिल जाएगी। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें ज्यादा बैटरी दी गई है आपको, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि ये शुरू सुबह से लेकर के शाम तक आपको बैटरी बैकअप दे सकती है। अब बात करते हैं, ये आपको ये Android 9 Pie पर देखने को मिलेगा। ये Android 9 Pie पर चलेगा आपका, जो कि एक लेटेस्ट है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें और लॉन्चिंग डेट की बात करें, तो आपको बता दें कि इसकी प्राइस जो है वो 8999 है। ये चीन में 9 जनवरी को लॉन्च किया जाने वाला है। हालांकि ये इंडिया में कब लॉन्च होगा इसके बारे में कोई भी अभी पता नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा, अगर ये इंडिया में इसी प्राइस में आता है 8999 में, तो ये काफी सारे फोन को टक्कर देने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है, प्लस 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है, और इसमें आपको 3 GB की रैम देखने को मिल रही है, हीलियो का P35 प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो ये कहीं, और साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इतने पैसों में कहीं ना कहीं ये बेस्ट बाय आपके लिए हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये इंडिया में इसी प्राइस में लॉन्च होगा, तो आप इस फोन को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं नए नए फोन्स को लेकर के और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी को लेकर के, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सामने घंटी को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस पर क्लिक करिए, जिससे कि आप मेरी और भी वीडियो देख पाओगे। मैं मिलूंगा आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ